पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। समाजशास्त्र को कभी कभी क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ, जहां विगत 300 वर्षों के क्रांतिकारी परिवर्तनों ने वहां के लोगों के जीवन को निर्णायक रूप से बदल दिया था। समाजशास्त्र के अभ्युदय में 3 क्रांतिकारी परिवर्तन का महत्वपूर्ण हाथ है, ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति। इस प्रक्रिया ने न केवल यूरोपीय समाज को ही पूरी तरह से नहीं बदला, बल्कि यूरोप के संपर्क में आने के कारण पूरे विश्व को भी परिवर्तित किया। इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण समाज शास्त्रियों के मुख्य विचारों पर प्रकाश डाला जाएगा। ये है कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खाइम तथा मैक्स वेबर। समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा के धारक हुए के नाते इन्होंने इस विषय की नींव रखी। इनके विचार और सोच आधुनिक परिवेश में भी प्रासंगिक हैं। बेशक इनके सिद्धांत की आलोचना हुई है और इनमें समय के साथ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। चूंकि समाज के बारे में बनी अवधारणाएं स्वयं अपने सामाजिक परिवेश से भी प्रभावित होती हैं, अतः हम अपनी चर्चा उन परिस्थितियों से प्रारंभ करते हैं जिनमें समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। समाजशास्त्र का संदर्भ यूरोप का आधुनिक युग व आधुनिकता की वे तमाम अवस्थाएं जो आज हमारे लिए सहज स्वाभाविक बन चुकी हैं। यह सब 3 मुख्य प्रक्रियाओं की देन है। ये है ज्ञानोदय तथा विवेक का युग, एज ऑफ रीजन, फ्रांसीसी क्रांति में निहित राजनीतिक संप्रभुता की खोज तथा आधुनिक उत्पादक मास प्रोडक्शन की वह व्यवस्था जिसका उद्घाटन औद्योगिक क्रांति ने किया। चूंकि इस विषय पर पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में चर्चा की जा चुकी है, अतः यहाँ हम केवल इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बौद्धिक परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप एक समाजशास्त्र परिचय पुस्तक के प्रथम अध्याय की चर्चा यूरोप में आधुनिक युग का आवागमन को देखें। वह कौन से परिवर्तन थे जिनसे यह तीनों प्रक्रियाएं जुड़ी हुई थी। ज्ञानोदय 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाने गए इस नए दर्शन ने जहां एक तरफ मनुष्यों को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशेषता का दर्जा दिया। विवेकपूर्ण हुए व आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता ने मनुष्य को अपनी और अपनी ही नजर में हमेशा के लिए बदल दिया। एकल मानव अब व्यक्ति बन गया, एक ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी गई, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच था कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार सकते थे। जो इस काबिल नहीं समझे गए उन्हें मानव का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि आदि मानव या बर्बर मानव कहा गया। चूंकि मानव समाज मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसका युक्ति संगत विश्लेषण संभव है। इस प्रकार के विश्लेषण के सहारे एक समाज में रहने वाले लोग दूसरे समाज को भी समझ सकते हैं। युक्ति संगत को मानव जगत की परिभाषिक विशिष्टता का स्थान दिया जा सके, इसके लिए प्राकृतिक धर्म संप्रदाय व देवी देवताओं के महत्व को कम करना अनिवार्य था। आधुनिक युग के आने से पहले मानव जगत को जानने समझने के लिए लोग इन्हीं पर निर्भर थे। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानोदय या प्रबोधन मात्र का को एक संभावना से वास्तविकता यथार्थ में बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का हाथ है जिन्हें आज हम धर्मनिरपेक्षता विज्ञान की सोच या मानवतावादी सोच की संज्ञा देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने व्यक्ति तथा राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आवागमन की घोषणा की। मानव अधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया तथा जन्मजात जन्म के आधार पर प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों की वैधता पर प्रश्न उठाया। इसने व्यक्ति को धार्मिक तथा जमींदारी संस्थाओं के अत्याचारी शासन से मुक्त किया जो फ्रांस की क्रांति के पहले वहां अपना आश्चर्य बनाए हुए थी। किसानों की जो अधिकतर सर्फ बंधक मजदूर या कृषि
कृषि दास थे। कुलीन वर्ग के जागीदारों के चंगुल से आजाद करवाया गया। अधिकांश करों को रद्द कर दिया गया जो किसान जागीरदारों तथा चर्च या धार्मिक संस्थानों को दिया करते थे। गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हकों व अधिकारों के धारक बनने तथा उन्हें कानून और राजकीय संस्थाओं के समक्ष समानता का अधिकार भी प्राप्त हुआ। राज्य को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का सम्मान करना पड़ा और राजकीय कानून किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकते थे। राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र तथा सार्वजनिक घर बार द्वारा संचालित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। सार्वजनिक व घरेलू क्षेत्रों की मर्यादा के अनुकूल कौन से सामाजिक संस्थान या गतिविधियां हैं, इस विषय पर नई मान्यताएं व नए विचार कायम हुए। उदाहरण के तौर पर धर्म तथा परिवार का अधिकांश भाग अब घरेलू या व्यक्तिगत क्षेत्र के अनुकूल माना गया, जब की शिक्षा विशेषकर स्कूली शिक्षा विद्यालयी शिक्षा को अब सार्वजनिक क्षेत्र के लायक माना गया। ध्यान रहे कि फ्रांसीसी क्रांति व आधुनिक युग के पहले शिक्षा घरेलू या व्यक्तिगत विषय था, इसमें राज्य की कोई खास भूमिका नहीं थी। दूसरी तरफ धार्मिक व राजकीय संस्थान मिले जुले थे और परिवार आज से कहीं ज्यादा सार्वजनिक था तथा साथ ही स्पष्ट राज्य को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया। अब इसे एक ऐसी प्रभुत्व संपन्न हस्ती माना गया जिसके पास एक केंद्रीकृत शासन तंत्र है। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व आधुनिक राज्य के नए नारे बने। औद्योगिक क्रांति आधुनिक उद्योग की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई जिसकी शुरुआत ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। इसके दो प्रमुख पहलू थे, पहला विज्ञान तथा तकनीकी का औद्योगिक उत्पाद में व्यवस्थित प्रयोग, विशेषकर नई मशीनों का आविष्कार तथा ऊर्जा के नए साधनों का औद्योगिक कामों में उपयोग। दूसरा, औद्योगिक क्रांति ने श्रम तथा बाजार को नए ढंग से व बड़े पैमाने पर संगठित करने के तरीके विकसित किए, जैसे कि पहले कभी देखने में नहीं आया था। नई मशीनों जैसे कि स्पिनिंग जेनी नामक की सूत काटने वाली मशीन ने औद्योगिक उत्पादकता को बेशुमार रूप से बढ़ाया। साथ ही ऊर्जा के नए स्रोतों ने जैसे भाप से चलने वाले इंजन के विभिन्न स्वरूप उत्पादन प्रक्रिया को सुगम बनाया। इन्हीं प्रक्रियाओं ने विशाल कारखानों की नई औद्योगिक व्यवस्था को अधिक उत्पादन यानी बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण को जन्म दिया। अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व के बाजारों के लिए किया जाने लगा। इन उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल भी दुनिया भर से प्राप्त किए जाने लगा। इस प्रकार बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग पूरी दुनिया में छा गए। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुई। शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योग को चलाने के लिए मजदूरों की मांग को उन विस्थापित लोगों ने पूरा किया जो ग्रामीण इलाकों को छोड़ काम की तलाश में शहर आकर बस गए थे। कम तनख्वाह मिलने के कारण अपनी जीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में मदद दी। कस्बों और छोटे छोटे शहर जनसंख्या निवासी के मुख्य स्थान बने। यहाँ ऊंच नीच की विषमताओं में बटा विशाल जनसमूह थोड़े मगर सघन आबादी के भीड़ भाड़ भरे इलाके में रहने लगा। अमीर व शक्तिशाली लोग शहरों में रहने लगे, लेकिन साथ ही मजदूर वर्ग के गरीब लोग भी उन्हीं शहरों में झुंगी झोपड़ियों वाली गंदी बस्तियों में कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 5 मई 1818 को प्रो एशिया जर्मनी के राइनलैंड नामक प्रांत में जन्मे संपन्न उदारवादी वकील के पुत्र थे। 1834 से 1836 बान विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन तत्पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन जहां युवा हेगलिनियस से प्रभावित हुए। 1841 जेना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में डायरेक्टर का शोध पत्र पूरा किया। 1843 में जेनी वान वेस्टफेलेन से विवाह कर पेरिस में बस गए। 1844 में पेरिस में फ्रेडरिक एंगल
एंगल्स से मुलाकात, जीवन पर्यंत मित्र बने। 1847 इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन द्वारा उनको संगठन के लक्ष्य तथा उद्देश्यों का दस्तावेजों तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह मार्क्स तथा एंगल्स द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया तथा इसका प्रकाशन मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1948 के नाम से हुआ। 1849 देश निकाला, मृत्यु पर्यंत इंग्लैंड में निवास। 1852 द एटिंग्थ ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्ट का प्रकाशन। 1859 में द कॉन्स्टिट्यूशन टू द क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रकाशन। 1867 में कैपिटल प्रथम खंड प्रकाशित। 1881 में जेनी वन वेस्टफेलन की मृत्यु। 1883 में मार्क्स का निधन तथा लंदन हाईगेट सीमेट्री में दफनाए गए। रहने को व्यवस्थे आधुनिक शासन पद्धतियों के अनुसार राजतंत्र को स्वास्थ्य सफाई व्यवस्था आपराधिक गतिविधियों व व्यवसायों पर नियंत्रण तथा सार्वजनिक विकास जैसे सार्वजनिक समूहों विषयों को जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इन नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। नए ज्ञान के लिए उभरती मांग ने सामाजिक विज्ञान और विशेषकर समाजशास्त्र जैसी नई विधाओं के अभ्युदय व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ से समाजशास्त्री विचार मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के विकास के वैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े हुए हैं। इसके कारण विद्वानों में इस विषय पर विवाद है कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है। अनुभव को आधार बनाकर सामाजिक तौर तरीकों पर वैज्ञानिकी विचार विमर्श तभी संभव हुआ जब आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। किसी भी समाज को समझने का आधार वहाँ के राज्य द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक सूचना बनी जो उसके सामाजिक संकायों को देख रेख करती है। समाजशास्त्री सिद्धांत इस चिंतन मनन का परिणाम है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे परंतु देश से निकाले जाने के कारण उन्होंने अपना अधिकतम समय ब्रिटेन में बिताया। उनके क्रांतिकारी राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें न केवल अपनी मातृभाषा बल्कि ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस से भी निकाल दिया गया। दार्शनिक न होते हुए भी उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। वे एक सामाजिक चिंतक और विश्लेषक थे जिन्होंने अत्याचार तथा शोषण को खत्म करने की वकालत की। उन्हें विश्वास था कि वैज्ञानिकी समाजवाद के द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसकी प्राप्ति के लिए मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का आलोचनात्मक विश्लेषण कर उसकी कमजोरियों को उजागर किया ताकि इस व्यवस्था का पतन हो सके। मार्क्स का यह कहना था कि समाज ने विभिन्न चरणों में उन्नति की है। ये चरण है आदिम साम्यवाद, दासता, समानतावादी व्यवस्था तथा पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी मनुष्य के विकास का सबसे नवीनतम चरण है, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्दी ही इसका स्थान समाजवाद ले लेगा। पूंजीवादी समाज में अलगाव की स्थिति और शक्ति का स्थानांतरण कई स्तरों पर काम करता हुआ दिखाई देता है। पहला, आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्राकृतिक से अपने आप को काफी अलग थलग पाता है। दूसरा, व्यक्ति में अलगाव की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि पूंजीवादी ने सामाजिक व्यवस्था के चले आ रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया और यहाँ सभी आपसी संबंध ज्यादातर बाजार में परिचालित और व्यवस्थित होते हैं। तीसरा, कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह समय अपनी मेहनत के फल से वंचित है क्योंकि मजदूर का अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मजदूरों का कार्य प्रणाली पर कोई नियंत्रण नहीं है। पहले प्रशिक्षित दस्तकार का अपने श्रम पर पूरा नियंत्रण होता था। आज कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या का निर्धारण प्रबंधक करते हैं। अतः इन परिणामों के फलस्वरूप आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है और अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए वह संघर्ष करता है। जहां वह आजाद तो है परंतु अलग थलग है और अपने जीवन पर उसका नियंत्रण पहले की तुलना में कम हो गया है। हालांकि
यह व्यवस्था शोषण तथा अत्याचार पर आधारित थी, परंतु फिर भी मार्क्स का यह मानना था कि पूंजीवादी मानव इतिहास में एक आवश्यक तथा प्रगतिशील चरण रहा, क्योंकि इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो भविष्य में समान अधिकारों को वकालत करने तथा शोषण और गरीबी को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। पूंजीवादी समाज में परिवर्तन सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाएगा जो इसके शोषण के शिकार हैं, जो एक साथ मिलकर क्रांतिकारी परिवर्तन द्वारा इसे जड़ से समाप्त कर स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित समाजवादी सोशलिस्ट समाज की स्थापना करेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने के लिए मार्क्स ने इसके राजनीतिक, सामाजिक, विशेषकर इसके आर्थिक रूप का गहन अध्ययन किया। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स की धारणा थी कि वह उत्पाद के तरीकों पर आधारित होती है। यह उत्पादन की विस्तृत प्रणालियां हैं जिसका संबंध ऐतिहासिक काल से होता है। आदिम साम्यवाद, दास प्रथा, समानतावादी पूंजीवाद, ये सब उत्पादन की व्यवस्थाएं हैं। सामान्य स्तर पर उत्पादन की व्यवस्थाएं एक काल विशेष में जीवन की विशेषताओं को दिखाती है। विशिष्ट स्तर पर हम उत्पादन की व्यवस्था को एक इमारत की तरह ले सकते हैं, जैसे एक इमारत में एक आधार या नींव होती है जिस पर इमारत खड़ी होती है, और फिर एक ढांचा जो इस नींव पर खड़ा किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर नींव या अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक तौर पर आर्थिक होता है और इसमें उत्पादक शक्तियां और उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। यहाँ उत्पादक शक्तियों से तात्पर्य उत्पादन के उन सभी साधनों से है जैसे भूमि, मजदूर, तकनीकी, ऊर्जा के विभिन्न स्थान, बिजली, कोयला, पेट्रोलियम आदि। उत्पादन संबंध के अंतर्गत वे सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं। उत्पादन संबंधी संपत्ति संबंधित भी होते हैं क्योंकि वे ये स्वामित्व अथवा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आदिम साम्यवाद में उत्पादन के तरीकों के अंतर्गत मुख्यतः प्राकृतिक, जंगल, भूमि, जानवर इत्यादि आते हैं। इसमें तकनीकी के आदिम तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे पत्थर के सरल औजार तथा शिकार के हथियार। उत्पादन संबंधी सामूहिक संपत्ति पर आधारित थे। इस समय निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं थी। शिकार तथा संग्राहक के आदिम तरीके मजदूर संगठन के रूप में थे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः उत्पादक शक्तियों और उत्पादन से उनके संबंधों पर आधारित होता है। इसी धरातल पर समाज की सभी संस्थाएं सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः धर्म, कला, कानून, साहित्य तथा विभिन्न प्रकार के विश्वास और सोच जैसी संस्थाएं इसी अधिसंरचना के भाग हैं जिनका निर्माण इस नींव पर किया गया है। मार्क्स का यह मानना था कि व्यक्ति की सोच और विश्वास ने उसी अर्थव्यवस्था से जन्म लिया है जिसके वे हिस्सा हैं। व्यक्ति अपनी जीवनचर्य कैसे कमाता है इससे निर्धारित होता है कि उसकी सोच कैसी है। भौतिक जीवन सोच को आकार देते हैं, परंतु सोच भौतिक जीवन को आकार नहीं देती। यह तर्क मार्क्स की समकालीन धारणा से बिल्कुल अलग था। उस समय यह प्रचलित था कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा सोचने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि विचार ही दुनिया को आकार देते हैं। मार्क्स ने आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में ये प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की नींव होते हैं। अगर हम यह समझ सकें कि किस तरह अर्थव्यवस्था का कार्य करती है और किस प्रकार यह पहले भी बदलती रही है, तो हम यह सीख सकेंगे कि भविष्य में समाज में कैसे परिवर्तन आएंगे। परंतु इस प्रकार का परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? मार्क्स का उत्तर है वर्ग संघर्ष द्वारा। वर्ग संघर्ष मार्क्स के अनुसार लिए व्यक्ति को सामाजिक समूहों में विभाजित करने का मुख्य तरीका धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता अथवा समान पहचान के बजाय उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में था। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित करते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में अपनी स्थिति के अनुसार तथा संपत्ति के संबंधों में उनके एक जैसे हितों तथा उद्देश्य होते हैं। चाहे
उन्हें इसकी पहचान उस समय न हो। वर्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है जो उत्पादन में सहायक शक्तियां का की स्थिति में परिवर्तन तथा पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य होने वाले संघर्षों के फलस्वरूप होता है। जैसे उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीकी तथा उत्पादन के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है जिसका परिणाम संघर्ष होता है। उदाहरण तो उत्पादन के पूंजीवादी साधन सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं, जो नवीन शहरी संपत्ति विहीन वर्ग होता है जिसका निर्माण समानतावादी कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप हुआ है। सर्फ तथा छोटे छोटे कृषकों को भूमि तथा आजीविका के पूर्ववर्ती स्रोतों से बेदखल कर दिया गया। तत्पश्चात अपनी आजीविका कमाने के लिए वे नगरों में जाकर बसने लगे तथा कानून एवं पुलिस के दबाव के फलस्वरूप उन्हें नए बने कारखानों में काम करना पड़ा। अतः एक बृहद नवीन सामाजिक वर्ग का निर्माण हुआ जो संपत्ति विहीन था और उन्हें अपनी आजीविका के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता था। उत्पादन प्रक्रिया में साझे रूप से काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उनका यह मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्य करने का कार्यक्रम भी था में मार्क्स तथा एंगेल्स ने अपने विचार स्पष्ट तथा संक्षिप्त में रखे। इसकी प्रारंभिक पंक्तियां घोषणा करती हैं, प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मनुष्य के इतिहास को ढूंढते हुए उन्होंने यह बताया कि वर्ग संघर्ष की प्रकृति विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भिन्न थी। आदिम से आधुनिक रूप में समाज का विकास कई भिन्न चरणों में हुआ है तथा प्रत्येक काल में शोषक तथा शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं। मार्क्स एवं एंगेल्स ने लिखा है, आजाद तथा दासकुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार एवं सर्प, श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर, एक शब्द में शोषक और शोषित एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहे। निरंतर कभी दबे रूप में, कभी खुले रूप में युद्ध। प्रत्येक स्तर पर मुख्य विरोधी वर्ग उत्पादन प्रक्रिया के अंतर विरोधी से पहचाने जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर पूंजी, फैक्ट्री, मशीनें, भूमि इत्यादि बुर्जुआ वर्ग और अधिकार होता है। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी साधनों पर से अधिकार समाप्त हो गया था। पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के लिए सिवाय अपने श्रम को बेचने के दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया था, क्योंकि उनके पास और कुछ बचा ही नहीं था। अगर दो वर्ग सिद्धांत एक दूसरे के विरोध भी हो तो भी वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते। संघर्ष होने के लिए आवश्यक है कि वे अपने वर्ग हित तथा पहचान के प्रति जागरूक हो, साथ ही अपने विरोधी के हितों तथा पहचान के प्रति सजग रहे। इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं। इस प्रकार के संघर्ष से प्रभावशाली अथवा शासक वर्ग को अनेक द्वारा उखाड़ फेंका जाता है, जो पहले से शासित अथवा अधीनस्थ वर्ग होता है। इसे ही क्रांति कहते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के तहत आर्थिक प्रक्रियाओं से विरोध का जन्म होता है जो आगे आगे चलकर वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। परंतु आर्थिक प्रक्रियाएं स्वतः क्रांति का नेतृत्व नहीं करती हैं, बल्कि सामाजिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाएं भी समाज को पूर्णतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती हैं। विरोध विचारधारा का होना एक मुख्य कारण है, क्योंकि आर्थिक तथा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के संबंध बहुत जटिल होते हैं। प्रत्येक काल में शासक वर्गों द्वारा प्रभुत्वशाली विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। यह प्रभुत्वशाली विचारधारा अथवा दुनिया को देखने का नजरिया शासक वर्ग के प्रभाव तथा विद्यमान सामाजिक क्रम को न्याय संगत ठहराता है। उदाहरण के तौर पर प्रभावी विचारधारा गरीब व्यक्तियों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वे गरीब इसलिए नहीं है कि उनका शोषण अमीरों द्वारा होता है, बल्कि अपने भाग्य के कारण अथवा पिछले जन्म में अपने बुरे कर्मों द्वारा इत्यादि क्रियाकलाप दू। हालांकि इसे भी वर्ग कहा जाता है। क्या आप
अन्य आप तथा आपके सहपाठी द्वारा बनाए गए समूह मार्क्सवादी अर्थ में वर्ग कहलाएंगे। इस दृष्टिकोण के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। क्या कारखानों तथा कृषि कार्य करने वाले मजदूर एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं? एक ही कारखानों में काम करने वाले मजदूर तथा मैनेजर क्या ये एक ही वर्ग से संबंधित हैं? क्या अमीर उद्योगपति अथवा फैक्ट्री के मालिक जो नगरों में रहते हैं तथा जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है एक ही वर्ग से संबंध रखते हैं? जैसे गरीब कृषक मजदूर जो गांव में रहता है तथा जिसके पास कोई जमीन नहीं है, एक जमींदार जो काफी जमीन का मालिक है और एक छोटा किसान जिसके पास कम भूमि है, क्या ये दोनों एक ही वर्ग से संबंधित होंगे? यदि वे एक ही गांव में रहते हो तो तथा दोनों जमींदार हों। इन उदाहरणों के उत्तर में दिए गए कारणों को ध्यानपूर्वक सोचिए। सुझाव, कल्पना कीजिए कि उदाहरणों में दिए गए लोगों को अच्छी लगने वाली कौन सी चीजें समान है। सोचिए कि बृहत सामाजिक व्यवस्था में उन्होंने कौन सा स्थान ग्रहण किया हुआ है, खासकर उत्पादन प्रक्रिया के संबंध में। एमिल दुर्खाइम 1858 से 1917 15 अप्रैल 1858 में एपिनल में जन्म हुआ, जो जर्मन सीमा पर स्थित फ्रांस के लॉरेंस प्रांत में था। वे एक रूढ़िवादी यहूदी परिवार से थे और इनके पिता, दादा तथा परदादा सब यहूदी पादरी थे। इन्हें भी प्रारंभ में धार्मिक स्कूल में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। 1876 पेरिस के एकोल नार्मल सुपेरियो में दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए दाखिल हुए। 1887 में बोर्डियो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा के लेक्चरर नियुक्त हुए। 1893 में डायरेक्टर शोध प्रपत्र डिवीजन ऑफ लिबरल इन सोसाइटी प्रकाशित किया। 1895 में रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित किया। 1897 में फ्रांस के प्रथम सामाजिक विज्ञान जर्नल एनी सोशियोलॉजिक का प्रारंभ और अपना प्रसिद्ध अध्ययन पत्र सुसाइड प्रकाशित किया। 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से जुड़े और 1913 में शिक्षा एवं समाजशास्त्र के नाम से जाना गया। 1912 में द एलिमेंट फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ पुस्तक प्रकाशित हुई। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में अपने बेटे आंद्रे की मृत्यु के सदमे के कारण 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि प्रभुत्वशाली विचारधारा हमेशा सफल नहीं होती और उन्हें विरोध विचारधारा अथवा वैकल्पिक वैश्विक दृष्टियों की चुनौती का सामना करना पड़ता है। चूंकि प्रत्येक वर्ग में सजगता सतत रूप से नहीं पाई जाती है, अतः एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में कोई वर्ग किस प्रकार से कार्य करेगा इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। अतः मार्क्स के अनुसार आर्थिक प्रक्रियाएं ज्यादातर वर्ग संघर्ष को जन्म देती है। हालांकि यह राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर भी निर्भर करता है। अनुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत वर्ग संघर्ष क्रांति के रूप में परिणति हो जाता है। एमिल दुर्खाइम को समाजशास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि वे सन 1913 में पेरिस में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर थे। रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मे दुर्खाइम को रेबिनिकल विद्यालय, धार्मिक यहूदी विद्यालय में प्रारंभ शिक्षा के लिए भेजा गया। 1876 में जब उन्होंने एकोल नार्मल सुपेरियोर में प्रवेश लिया, तब अपने धार्मिक अभिविन्यास से संबंधित भी छेद कर अपने आप को नास्तिक घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी उनके नैतिक पोषण का उनके समाजशास्त्रीय चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसी भी समाज की मुख्य विशेषता उसकी नैतिक संहिताएं होती हैं, जो व्यक्तिगत आचरण को निर्धारित करती हैं। एक धार्मिक परिवार से आने के कारण धर्म संबंधी धर्म निरपेक्ष चिंतन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसको वे विकसित करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा की पूर्ति हुए अपनी आखिरी पुस्तक द एलिमेंट फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में कर पाए। दुर्खाइम के लिए समाज एक सामाजिक तथ्य था जिसका अस्तित्व नैतिक समुदाय के रूप में व्यक्ति से ऊपर था। वे बंधन जो मनुष्य को समूहों के रूप में आपस में बांधते थे समाज के अस्तित्व के लिए निर्णायक थे। ये बंधन अथवा सामाजिक एकता व्यक्ति पर दबाव डालते हैं ताकि वह समूह के मानदंडों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप हो। ये व्यक्ति के व्यवहार प्रतिमानों को बाधित करते हैं तथा विविधताएं
एक छोटे दायरे में सीमित जाती हैं। सामाजिक क्रियाओं में विकल्पों को सीमित करने का आशय यह था कि सामाजिक व्यवहार का पूर्वानुमान संभव था, क्योंकि व्यवहार प्रतिमान के साथ होता था। इस प्रकार अवलोकित व्यवहार के प्रतिमान को देखकर मानदंडों, संहिताओं तथा सामाजिक एकता को पहचाना जा सकता था जो उन्हें नियंत्रित करते थे। अतः दूसरे प्रकार की अमूर्त चीजों का अस्तित्व, जैसे विचारों, मानदंडों, मूल्यों इत्यादि को मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के प्रतिमान के अध्ययन से अनुभाविक रूप से सत्यापित किए जा सकते हैं, क्योंकि वे समाज में एक दूसरे से संबंधित है। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिकता को आचरण या आचरण की संहिताओं में पाया जा सकता था जो व्यक्ति पर सामूहिक समझौतों के तहत जबरदस्ती थोपे जाते थे। यह जीवन के दैनिक क्रियाकलापों में देखे जा सकते थे। समाज की विज्ञान की समझ जिसे दुर्खाइम विकसित करना चाहते थे वह नैतिक तथ्यों की मान्यता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा, नैतिक तथ्य अन्य तथ्यों की तरह घटित होते हैं, वे क्रियाएं के नियम से बने हैं जो विशेषता गुणों द्वारा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन तथा वर्गीकरण किया जा सकता है और वे विशेष कानूनों के द्वारा समझाए जा सकते हैं। दुर्खाइम 1964-32 नैतिक संहिताएं विशेष सामाजिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति थी। अतः एक समाज की नैतिकता दूसरे समाज के लिए अनुपयुक्त थी। अतः दुर्खाइम के अनुसार नैतिक संहिताओं से सामाजिक परिस्थितियों की व्युत्पत्ति हो सकती है। इसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के समान बना दिया तथा उनके यह बृहत उद्देश्य समाजशास्त्र को एक विज्ञान की संकाय के रूप में स्थापित करने के बहुत निकट थे। दुर्खाइम की समाजशास्त्रीय दृष्टि, दुर्खाइम की दृष्टि से समाजशास्त्र में एक नवीन विज्ञान की संकाय के रूप में दो मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम, समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों का अध्ययन दूसरे विज्ञानों की तुलना से भिन्न था। समाजशास्त्र अपने आप से अनन्य रूप से संबंधित था, जिसे उन्होंने उद्गामी स्तर अर्थात जटिल सामूहिकता का जीवन स्तर कहा जाए, जहां सामाजिक प्रघटनाओं का उद्भव हो सकता है। ये प्रघटनाएं उदाहरणतः सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म अथवा परिवार अथवा सामाजिक मूल्यों जैसे दोस्ती अथवा देशभक्ति इत्यादि जो कि एक जटिल समग्र में ही संभव है, जो कि अपने दूसरे अंगों से बड़ा विभिन्न प्रकार में है। हालांकि इसका निर्माण पूर्ण रूप से व्यक्तियों द्वारा होता है। एक सामूहिक सामाजिक पहचान फुटबॉल अथवा क्रिकेट टीम में मात्र 11 व्यक्तियों के समूह से अलग तथा अधिक होती है। सामाजिक पहचान जैसे टीम, राजनीतिक पार्टियां, स्ट्रीट गिरोह, धार्मिक समुदाय, राष्ट्र इत्यादि व्यक्ति के स्तर से नहीं अपितु अन्य वास्तविकताओं के स्तर से संबंधित होते हैं। यही वह उद्गम स्तर है जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। दुर्खाइम के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी, अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसे भी आधुनिक विषय होना चाहिए था। यह वास्तव में एक कठिन दावा था, क्योंकि सामाजिक घटनाएं अपनी प्राकृतिक में ही अमूर्त होती हैं। हम सामूहिक पहचान के रूप में जैन समुदाय अथवा बंगाली अथवा मलयाली या मराठी बोलने वाले समुदाय अथवा नेपाली या मिश्र राष्ट्र के समुदायों को देख नहीं सकते। कम से कम हम उन्हें उसी तरह सीधे रूप में नहीं देख सकते जिस प्रकार से हम एक पेड़ या लड़का या बादल को देख सकते हैं। यदि सामाजिक प्रघटनाएं छोटी हो तो भी, जैसे एक परिवार अथवा नाट्य समूह, हमें सीधे तौर पर उन व्यक्तियों को देखते हैं जो इस सामूहिकता का निर्माण करते हैं। हम सामूहिकता को नहीं देख सकते। दुर्खाइम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अमूर्त तत्वों जैसे सामाजिक तथ्यों तथा विज्ञान हो सकता है, जो अवलोकन अनुभाविक इंद्रियानुभवी सत्यापनीय साक्ष्यों पर आधारित हो। हालांकि व्यवहार प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित नहीं होता, सामाजिक तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप में व्यवहार के प्रतिमान में अवलोकित किया जा सकता है। नवीन अनुभाविक आंकड़ों पर आधारित एक महत्वपूर्ण उदाहरण आत्महत्या पर इनके द्वारा किया गया अध्ययन है। हालांकि आत्महत्या का प्रत्येक अध्ययन विशिष्ट रूप से व्यक्ति तथा उसकी परिस्थितियों से संबंधित होता है, परंतु यह भी एक सामाजिक तथ्य है कि आत्महत्या की औसत दर समुदाय में हजारों की संख्या में होती है। अतः सामाजिक तथ्य
का अवलोकन सामाजिक व्यवहार से और मुख्यतः सामाजिक व्यवहारों के कुल प्रतिमानों से किया जा सकता है। अतः सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह होते हैं, वे व्यक्तियों के लिए बाह्य होते हैं परंतु उनके आचरणों को बाधित करते हैं। कानूनी शिक्षा तथा धर्म जैसी संस्थाएं सामाजिक तथ्यों का गठन करती है। सामाजिक तथ्य सामूहिक प्रतिनिधान होते हैं जिनका उद्भव व्यक्तियों के संगठन से होता है। वे व्यक्ति विशिष्ट के लिए न होकर सामान्य प्रकृति के होते हैं और व्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं। मान्यताएं संवेदनाएं तथा सामूहिकताएं मान्यताएं इसके कुछ उदाहरण है। समाज में श्रम विभाजन, अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में दुर्खाइम ने समाज के आदिम से आधुनिक तक के उद्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि को स्पष्ट किया। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिकता एकता सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया जो उस समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया कि जहां आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार सामूहिकीय एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है तथा यह कम जनसंख्या वाले समाजों में पाई जाती है। यह विशिष्ट रूप में विभिन्न स्वावलंबित समूह है जहां प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट समूह के अंतर्गत एक जैसे क्रियाकलापों तथा प्रकार्यों में लिप्त रहता है। चूंकि व्यक्तियों की एकता अथवा आपसी बंधन समरूपता तथा व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, अतः इस प्रकार के समाज किस प्रकार की विषमताओं के प्रति सहिष्णुता नहीं होते तथा समाज के किसी मानदंड की अवहेलना करने पर कठोर दंड दिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि व्यक्ति तथा समाज में आपस में जुड़े हुए थे और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता है। आधुनिक समाज की एक मुख्य विशेषता सामाजिक एकता है और यह सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है। यह बृहत जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है जहां अधिकतर सामाजिक संबंध अवैयक्तिक होते हैं। इस प्रकार के समाज का आधार संस्थाएं होती हैं और इसका प्रत्येक घटक अथवा इकाई अपने आप में स्वावलंबी न होकर अपने उत्तरजीवी की दूसरी इकाई अथवा समूह पर आश्रित होती हैं। पारस्परिक निर्भरता स्वायवीय एकता का सार है। यहाँ व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है तथा वे एक दूसरे से भिन्न आवश्यकताओं की आज्ञा ही नहीं देते बल्कि उनके समायवीय संबंधों तथा बहुविकल्पीय भूमिकाओं को मान्यता भी प्रदान करते हैं। आधुनिक समाज के कानून दमनकारी न होकर क्षतिपूर्वक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी कृतियों में सुधार लाना या उसे ठीक करना है। ठीक इसके विपरीत आदिम समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती है जो एक प्रकार से उसके कृतियों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता था। आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्तता शासन की कुछ छूट थी जबकि आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था। आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर समूह और संगठन बना लेते हैं क्योंकि ये समूह एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। अतः एक दूसरे से भिन्न रखते हुए उनके सदस्यों के संपूर्ण जीवन को ग्रहण नहीं करते। अतः विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों की भिन्न भिन्न पहचान होती है। यह व्यक्ति को समाज की छत्र छाया से बाहर निकाल उनके प्रकार्यों तथा भूमिका का निर्वहन करने में तथा अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करती हैं। चूंकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसके लिए उसकी दूसरों के साथ अंतःक्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार के समाज में अवैयक्तिक नियम तथा विधानों की आवश्यकता सामाजिक संबंधों के नियंत्रण के लिए होती है क्योंकि वैयक्तिक संबंधों का निर्वहन अधिक जनसंख्या में संभव नहीं होता। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खाइम के चिंतन के महत्व को दर्शाता है। एक
एक सर्वथा भिन्न विषय को लेकर उस नवीन वैज्ञानिक शाखा के रूप में स्थापित करने की कोशिश जो इस प्रकार अनुभविक विधि संगत हो। जिस प्रकार वे सामाजिक तथ्यों के रूप में विभिन्न प्रकार की सामाजिक एकता पर परिचर्चा करते हैं, जिसकी क्रियाकलाप तीन दुर्खाइम तथा मार्क्स के सामाजिक श्रम विभाजन के विषय में क्या कहा तुलना करने की कोशिश कीजिए। दोनों सहमत हैं कि जैसे जैसे समाज का विकास होता है, उत्पादन के साधन जटिल होते जाते हैं, श्रम विभाजन और विस्तृत होता हो जाता है और यह विभिन्न सामाजिक समूहों में पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाता है। परंतु जहां दुर्खाइम एकता पर बल देते हैं, वहीं मार्क्स संघर्ष पर। आप इस बात में क्या सोचते हैं? क्या आप कारण बता सकते हैं कि मार्क्स आधुनिक समाज के विषय में गलत क्यों हो सकते हैं? उदाहरणतः क्या आप ऐसी किसी स्थिति अथवा उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जहां व्यक्ति विभिन्न वर्गों की पृष्ठभूमि तथा हितों में संघर्ष होने पर भी आपस में एक समूह तथा सामूहिकता से जुड़ते हैं? मार्क्स अभी भी सही हैं? इस विषय पर किसी को समझाने के लिए आप कौन से तर्क देंगे? दुर्खाई में आधुनिक समाज में व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता दिए जाने पर गलत क्यों हो सकते हैं? क्या आप कुछ कारण ढूंढ सकते हैं? उदाहरणतः क्या यह सत्य नहीं है कि जनसंचार सुविधाएं, विशेषकर टेलीविजन, ने लोकप्रिय फैशन को, कपड़ों तथा संगीतों को मानकीकृत किया है? पहले की तुलना में आज के नव युवक जो विभिन्न सामाजिक समूहों, देशों, राज्यों तथा धर्मों के हैं, ज्यादातर एक ही प्रकार के संगीत सुनते हैं। क्या यह दुर्खाइम को गलत साबित करता है? इस संदर्भ के पक्ष तथा विपक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं? ध्यान रखिए, समाजशास्त्र गणित की तरह नहीं है जहां अधिकतर एक ही सही उत्तर होता है। समाज तथा व्यक्तियों से संबंधित किसी भी चीजों के एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं, अथवा एक संदर्भ में वह सही तथा दूसरे में गलत हो सकते हैं, अथवा आंशिक सत्य तथा अथवा असत्य हो सकते हैं इत्यादि। दूसरे शब्दों में सामाजिक दुनिया बहुत जटिल है और यह समय तथा स्थान अनुसार बदलती रहती है। यह सीखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कैसे कारणों के विषय में ध्यान पूर्वक सोचा जाए कि विशिष्ट उत्तर ही विशिष्ट संदर्भ में सही अथवा गलत क्यों होते हैं। इसका पता लगा सके बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्त सामाजिक एकता में होती है, उनके उद्देश्य तथा सामाजिक संबंधों के धर्म निरपेक्ष विश्लेषण जो विभिन्न समाजों में विद्यमान होते हैं, ने समाजशास्त्र को समाज में एक नवीन विज्ञान के रूप में स्थापित करने की नींव डाली। मैक्स वेबर 1864 से 1920। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट जर्मनी के एक परिसियन परिवार में हुआ। इनके पिता एक मजिस्ट्रेट तथा राजनीतिज्ञ थे जो एक राजशाही बिस्मार्क के अनुयायी थे। इनकी माता हेडेलबर्ग के विशिष्ट उदार परिवार से संबंधित थी। 1882 में कानून की शिक्षा के लिए हेडेलबर्ग गए। 1884 में गोटिंजेन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन। 1889 में डायरेक्ट शोध प्रपत्र कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिविलियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जमा किया। 1891 में हैबिलिटेशन शोध पत्र रोमन एग्रोरियन हिस्ट्री एंड द सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ जमा किया, शिक्षण के लिए आवश्यक। 1893 में मैरी ऑन सिंटजर से विवाह किया। 1894-96 में प्रोफेसर अर्थशास्त्र के रूप में पहले फ्रेगबर्ग तथा बाद में हेडेलबर्ग में नियुक्ति। 1897 से 1901 में तांत्रिका भंग होने के कारण गंभीर रूप से बीमार, कार्य करने में असमर्थ, रोम चले गए। 1901 में शिक्षण के क्षेत्र में पुनः लेखन। 1903 में आर्काइव्स फॉर सोशल साइंस एंड सोशल फेलवेयर के संपादक। 1904 में अमेरिका भ्रमण, द प्रोटोस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का प्रकाशन। 1918 में वियना में विशेष रूप से स्थापित समाजशास्त्र विभाग का कार्यभार संभाला। 1919 में कम्युनिक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अर्थशास्त्र के रूप में नियुक्ति। 1920 में निधन। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके अधिकतर लेखन कार्य का प्रकाशन तथा अनुवाद हुआ। ये हैं द
प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1930 फ्रॉम मैक्स वेबर एसेज इन सोशियोलॉजी 1946 मैक्स वेबर ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1949 द रीजनल ऑफ इंडियन 1998 तथा इकोनॉमी एंड द सोसाइटी तीन खंडों में 1968 में प्रकाशित हुई। मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। सामाजिक तथा मानसिक तौर पर काफी लंबे समय तक बीमार रहने पर भी अपने पीछे समाजशास्त्रीय लेखन का एक अपूर्व भंडार छोड़ गए। उन्होंने कई विषयों पर विस्तार पूर्वक लिखा है, परंतु मुख्य सामाजिक क्रिया व्याख्यात्मक समाजशास्त्र तथा शक्ति और वाश्चर्य के विकास पर कार्य किया। वेबर के चिंतन का दूसरा विषय आधुनिक समाज में युक्तिसंगत प्रक्रिया विश्व के विभिन्न धर्मों का संबंध इस प्रक्रिया से है। मैक्स वेबर और व्याख्यात्मक समाजशास्त्र वेबर ने यह तर्क दिया कि सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना है। अतः ये विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान से बहुत अलग थे, जिनका उद्देश्य प्रकृति के नियमों की खोज था जो इस भौतिक विश्व को संचारित करते हैं। चूंकि सामाजिक विज्ञान का सामाजिक क्रियाओं से मुख्य सरोकार था तथा मानवीय क्रियाएं मुख्यतः विषयगत अर्थों से संबंध होती है, अतः सामाजिक विज्ञान की पद्धतियां प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों से भिन्न होगी। वेबर के लिए सामाजिक क्रिया में वे सब मानवीय व्यवहार सम्मिलित थे जो अर्थपूर्ण थे, अर्थात वे क्रियाएं जिनसे कर्ता किसी अर्थ को संबंध करता हो। सामाजिक क्रिया के अध्ययन में समाजशास्त्री का कार्य उन अर्थों को ढूंढना था जो कार्य द्वारा समझे जाते थे। इस कार्य को पूर्णता देने के लिए समाजशास्त्री को स्वयं उस कर्ता के स्थान पर अपने आप को रखकर यह कल्पना करनी होती थी कि इनके अर्थ क्या हैं और क्या हो सकते हैं। अतः समाजशास्त्र सुव्यवस्थित रूप से समानुभूति अर्थात ऐसी समझ जो अनुभूति समानुभूति पर आधारित न हो बल्कि अनुभूति के साथ समानुभूति हो। समानुभूति को समाजशास्त्री इस अभ्यास से निकालते हैं, वह उन्हें सामाजिक कर्ताओं के विषयगत अर्थों को समझने तथा उनके अभिप्रेरकों को समझने में मदद करता है। वेबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विशेष तथा जटिल प्रकार की वस्तुनिष्ठा की बात की जिसे सामाजिक विज्ञान को अपनाना था। सामाजिक विश्व की खोज मनुष्य के अर्थों मूल्यों समाज पूर्वाग्रह आदर्शों इत्यादि पर आधारित है। इस दुनिया के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को इस विषयगत अर्थों को समझने के लिए तथा उसका संपूर्ण वर्णन करने के लिए सामाजिक विज्ञानियों को सदैव समानुभूति समझ को अपनाना पड़ेगा और इसे अपनाने के लिए स्वयं उनके स्थान पर काल्पनिक रूप से जिनकी क्रियाओं का वे अध्ययन कर रहे होते हैं उन्हें रखना पड़ेगा। लेकिन यह अध्ययन वस्तुनिष्ठ तरीके से करना है, हालांकि यह विषयगत मामला था। अतः समानुभूति समझ के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्री बिना स्वयं की निजी मान्यताओं तथा प्रक्रियाओं से प्रभावित हुए पूर्ण रूपेण विषयगत अर्थ तथा अर्थों तथा सामाजिक कर्ताओं की अभिप्रेरणाओं को ईमानदारी पूर्वक अभी लिखित कर दूसरे शब्दों में समाजशास्त्री दूसरों की विषयगत भावनाओं का वर्णन करें न कि परखें। वेबर ने इस प्रकार की वस्तुनिष्ठा को मूल्य तथ्यता कहा। समाजशास्त्री इन विषयगत मूल्यों का ब्यौरा तथ्यस्थ होकर इन मूल्यों के प्रति बिना अपनी भावनाओं में बहे करते हैं। वेबर ने यह बताया कि यह बेहद कठिन था क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक समाज के सदस्य भी होते हैं और उनकी अपनी मान्यताएं तथा पूर्वाग्रह होते हैं, हालांकि उन्हें स्वयं अनुशासन के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। लौ संकल्प शक्ति का अभ्यास जैसा उन्होंने कहा है ताकि दूसरों के मूल्यों तथा विश्व दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए वे तथास्थ रहे। समानुभूत समझ के अतिरिक्त वेबर ने समाजशास्त्र के लिए एक अन्य पद्धति शास्त्रीय उपकरण आदर्श प्रारूप की बात की। आदर्श प्रारूप सामाजिक घटना का तार्किक एक रूपीय मॉडल है जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को रेखांकित करता है। विश्लेषण में मदद के लिए बनाए गए अवधारणात्मक प्रारूप होने के कारण इसका निर्माण वास्तविकता को हूबहू दर्शन के लिए नहीं हुआ। आदर्श प्रारूप घटना प्रारूप को जो विश्लेषणात्मक रूप से
महत्वपूर्ण होता ही है उसे बढ़ा चढ़ाकर तथा दूसरों को नजरअंदाज अथवा कमतर दिखाते हैं। व्यापक रूप से आदर्श प्रारूप को वास्तविकता के समरूप होना चाहिए, परंतु इसका मुख्य कार्य अध्ययनरत सामाजिक घटनाओं के मुख्य प्रारूपों को जोड़ने तथा उनके विश्लेषण में सहायता करना है। आदर्श प्रारूप विश्लेषण तथा समझने में कितने सहायक हैं इस तथ्य पर उन्हें जांचा जाता है, न कि यह कि वे कितने यथार्थ अथवा विस्तार पूर्वक उसकी विवेचना करते हैं। विश्व के अलग अलग धर्मों के नैतिक संबंधों और अलग अलग सभ्यताओं की सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए वेबर ने एक आदर्श प्रारूप तैयार किया था। इसी के संदर्भ में वेबर ने सुझाव दिया था कि यूरोप में पूंजीवाद के आगमन तथा विकास के लिए कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई वर्गों के मूल्यों ने बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित किया था। वेबर ने पुनः आदर्श प्रारूपों का प्रयोग तीन विभिन्न प्रकार के सत्ता को परिभाषित करने के लिए किया। वे है पारंपरिक, करिश्माई तथा तर्कसंगत वैधानिक। जहाँ पारंपरिक सत्ता का उद्भव प्रथा तथा प्रचलन से हुआ था, वहीं करिश्माई सत्ता का उद्भव दैवीय स्रोतों अथवा ईश्वर के देन से ढूंढा गया तथा सत्ता जो तर्कसंगत वैधानिक पर आधारित थी उसका आधार कानून था। तर्कसंगत वैधानिक सत्ता जिसका प्रचलन आधुनिक युग में भी देखा जा सकता है, नौकरशाही उसका प्रतीक है। नौकरशाही संगठन का वह साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। इसका अर्थ यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते थे। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था के रूप में नौकरशाही कर्मचारियों की शक्तियों को उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती। नौकरशाही सत्ता की विशेषताएं हैं को अधिकारियों के प्रकार्य यानी कार्य, खपदों का सोपानी क्रम, ग लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता, घ कार्यालय का प्रबंधन, अंग कार्यालय आचरण। पहला, अधिकारियों का प्रकार्य। नौकरशाही के अंतर्गत कार्यालय क्षेत्राधिकारी होते हैं जिनका संचालन नियम कानून तथा प्रशासनिक विधानों द्वारा होता है। नौकरशाही संस्थान के नियमित क्रियाकलाप का बंटवारा नियत रूप से सरकार द्वारा कर्तव्यों के रूप में होता है। इसी के अतिरिक्त उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ वर्गों को आदेश अस्थायी रूप से दिए जाते हैं, परंतु उनका जिम्मेदारी को सीमित कर उसका जिम्मा योग्य अधिकारियों को दिया जाता है। चूंकि कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाना होता है, अतः केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरशाही पर रखा जाता है जिनके पास उससे संबंधित योग्यताएं होती हैं। नौकरशाही में सरकारी पदाधिकारी से स्वतंत्र होते हैं क्योंकि वे उनके कार्यालय के पश्चात भी बने रहते हैं। सोपानिक क्रम अधिकारी तथा कार्यालय श्रेणीगत सोपान पर आधारित होते हैं, जहां उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारियों को निर्देश किया जाता है। निम्न अधिकारियों के निर्णय से असंतुष्टता की स्थिति में उच्च अधिकारियों से अपील की गुंजाइश रहती है। लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता। नौकरशाही व्यवस्थाओं का प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है तथा फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाता है। कार्यालय अथवा ब्यूरो का निर्माण तंत्र मिलजुल कर निर्णय लेने लगा है। यह सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र का भाग होता है जो अधिकारियों के निजी जीवन से अलग होता है। कार्यालय प्रबंधन, चूंकि कार्यालय प्रबंधन विशिष्ट तथा आधुनिक क्रिया है, अतः यहाँ कार्य के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। कार्यालय आचरण, कार्यालय क्रियाकलाप कर्मचारियों से संपूर्ण एकाग्रता की अपेक्षा करते हैं, बिना इसके कार्यालय में उसका समय परिसीमित ही क्यों न हो। अतः कार्यालय में एक कर्मचारी का आचरण नियमों तथा कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। ये उनकी सार्वजनिक आचरण को निजी व्यवहार से अलग करते हैं, क्योंकि ये नियम तथा विधान कानूनी रूप में पहचाने जाते हैं, अतः कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वेबर द्वारा नौकरशाही का राजनीतिक सत्ता के आधुनिक रूप में चरित्रांकन नहीं किया गया। इसने दिखाया कि किस प्रकार एक कर्ता अपने कौशल तथा प्रशिक्षण के लिए भी पहचानी जाती है तथा उन्हें जिम्मेदारियों को लागू तथा संपूर्ण करने के लिए आवश्यक शक्ति दी जाती है। कानूनी परिसीमितता ने उनके अनेक कार्यों तथा सत्ता को अनियंत्रित शक्तियों को सीमित कर कर्मचारियों
को अपने सेवार्थियों के प्रति जिम्मेदार बनाया क्योंकि वह कार्य सार्वजनिक क्षेत्रों में पूरा किया जाता था। क्रियाकलाप चार, आप किस हद तक सोचते हैं कि कहां तक निम्नलिखित समूहों तथा गतिविधियों में बैबर के अर्थों में नौकरशाही सत्ता का प्रयोग हुआ। क, आपकी कक्षा। ख, आपका विद्यालय। ग, फुटबॉल टीम। एक गांव की पंचायती समिति। अंग, लोकप्रिय अभिनेता के प्रशंसकों का संघ। च, ट्रेन अथवा बस में रोजाना सफर करने वाले लोगों का समूह। घ, छ, सामूहिक परिवार। ज, ग्रामीण समुदाय। जहाज का क्रूर। अंग, यहां अपराधियों का गिरोह। धार्मिक नेताओं के अनुयायी। सिनेमा घर में सिनेमा देखते हुए लोग। आपकी चर्चा के आधार पर किस समूह को आप नौकरशाही के रूप में पहचानेंगे। आप पक्ष तथा विपक्ष दोनों तथ्यों पर चर्चा कीजिए तथा जो आपसे असहमत हो उन्हें ध्यानपूर्वक सुनिए। शब्दावली, अलगाव। पूंजीवादी समाज में ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मनुष्य प्राकृतिक से अथवा अजनबीय बना दिया जाता है, अन्य मनुष्यों से, उनके कार्यों तथा उत्पाद से स्वयं को दूर महसूस करता है। ज्ञानोदय, 18वीं शताब्दी के यूरोप का ऐसा समय जब दार्शनिकों ने धार्मिक सिद्धांतों का सर्वमान्यता को एक सिरे से नकार दिया, सत्य के लिए कारण को मुख्य माना तथा मनुष्य को उस कारण का एकमात्र निमित्त माना गया। सामाजिक तथ्य, सामाजिक वास्तविकता का एक पक्ष जो आचरण तथा मान्यताओं के सामाजिक प्रतिमानों से संबंधित है, जो व्यक्ति द्वारा बनाया नहीं गया है परंतु उनके व्यवहार पर दबाव डालता तथा उन्हें प्रभावित करता है। उत्पादन के साधन, भौतिक उत्पादन की एक प्रणाली जो एक लंबे समय तक चलती है। प्रत्येक उत्पादन का साधन अपने उत्पादों के तरीकों, उदाहरण तकनीकी तथा उत्पादक संगठनों के प्रकार तथा उत्पादक से उसके संबंधों से, उदाहरण दास तत्व, सर्फ, वैतनिक मजदूर पहचाना जाता है। ऑफिस, नौकर शाही के संदर्भ में सरकारी पद अथवा औपचारिक शक्ति तथा निवैतिक स्थिति जहां शक्तियां तथा कर्तव्य परिलक्षित होते हैं, ऑफिस का अलग अस्तित्व होता है जो व्यक्ति से संबंधित नहीं होता। इस शब्द के अन्य अर्थ से भिन्न जो वास्तविक नौकरशाही संस्था अथवा उसकी वास्तविक भौतिक स्थिति को इंगित करता है, उदाहरणतः पोस्ट ऑफिस, पंचायती बॉक्स, प्रधानमंत्री ऑफिस, मेरे पिता अथवा माता का ऑफिस इत्यादि।